अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 और इसमें हमारा सब्जेक्ट है साइंस। हमने पहले जो अपना प्रीवियस टॉपिक था एनवायरनमेंट के अबाउट, वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है एंड इट्स अबाउट मेटल एंड मटेरियल्स। यूनिट नंबर हमारा 6 है ये। आज हम इसका पेज नंबर 44 करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें बताया जा रहा है व्हाट इज मैटर, ये मैटर क्या है, ठीक है। हम वर्ड यूज कर रहे हैं मैटर, तो हमें पता होना चाहिए इस पेज में, इस बुक में हमें इसको पढ़ना है। हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें ये बताया गया है कि मैटर है मटेरियल्स, तो हमें पता होना चाहिए कि मैटर किस चीज को कहते हैं। ओके, मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस, हर वो चीज जिसका वेट होता है और इसके अलावा जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। जैसे अगर मैं हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने स्पेस ली है, ठीक है। अगर मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, इसने स्पेस ली है, ठीक है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर, दैट मीन दैट एवरीथिंग यू कैन सी इज मैटर, हर वो चीज जिसको हम देखते हैं वो क्या है, वो मैटर है। सो इज मोस्ट ऑफ व्हाट यू कांट सी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देखते भी नहीं है लेकिन वो भी किसमें कंसीडर की जाती हैं, मैटर में। जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें एयर, ठीक है, गैस जो होती है, एयर की अगर हम एग्जांपल ले लें तो एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे अगर हम सिलेंडर के अंदर गैस फील कर रहे हैं, वो एयर ही है, ठीक है। अगर हम उसको फील कर रहे हैं तो उसने क्या किया है, उसने उस सिलेंडर की शेप ले ली है, ठीक है, उसने भी स्पेस ली है ना, तो वो भी क्या है, मैटर है। तो वो चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं और वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं भी आती वो सब इसमें इंक्लूड की जाती हैं, दे आर मैटर, ठीक है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, आई एम मैटर, यू आर मैटर, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम स्पेस भी लेते हैं और हमारा वेट भी होता है, ठीक है। तो मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में, 3 फॉर्म्स में अपीयर होती है। वो कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी मैटर है इस दुनिया के अंदर, वो या तो सॉलिड फॉर्म में होगी, या लिक्विड फॉर्म में, या फिर गैस फॉर्म में, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दी, अगर हमारे पास कोई एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने सॉलिड पार्टिकल्स को देखा, वो ऐसे साथ साथ अरेंज होंगे, ठीक है, उनके दरमियान में स्पेस जो है वो बहुत कम होती है, होती ही नहीं बल्कि, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेस करूँगी, ऐसे अगर मैं नीचे फेंकूँगी तो इसकी शेप तो कितना चेंज हो जाएगी, इसकी जो शेप है वही रहेगी, जब तक कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा कोई हाई फोर्स अप्लाई करके इसको तोड़ ना दूँ, वो तो एक अलग बात, ठीक है। तो इसकी क्या है, डेफिनेट शेप है। इसको अगर मैं कहीं भी रखती हूँ, अपने हैंड में रख रही हूँ, अपनी पॉकेट में रख रही हूँ, बैग में रख रही हूँ, इसकी शेप सेम रहेगी जो है, ठीक है, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान स्पेस बहुत कम होती है और इस वजह से वो फिर आपस में कोलाप्स नहीं कर पाते। अब आगे सेकंड है लिक्विड। जो लिक्विड होते हैं उनके दरमियान में स्पेस कम होती है, ठीक है, वो पार्टिकल्स थोड़े आपस में ऐसे दूर दूर होते हैं, उनके अंदर स्पेस होती है। अगर हम वाटर ले रहे हैं, ठीक है, वाटर है मेरे पास, उसको मैंने ग्लास में डाला, वो ग्लास की शेप का हो जाएगा। अगर उसको मैंने जग में डाला है, वो उसकी शेप में हो जाएगा, ठीक है। देखो, जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी शेप का हो जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान स्पेसिस होती हैं, ठीक है। जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो इतने कम क्लोज नहीं होते। अब आगे अगर हम गैस की बात करें तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्पेसिस बहुत ही ज़्यादा होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्पेस और बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम किसी बैलून के अंदर एयर फिल करेंगे, उसको अगर हम ऊपर से पकड़ रहे हैं, अगर उसको हमने ऊपर से घीरा लगा दिया है, तो तभी क्या होगा, उसके अंदर वो एयर रहेगी। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा लूज करेंगे, एयर फौरन से बाहर आएगी, ठीक है, क्योंकि वो फौरन से रिलीज होगी। गैस मॉलिक्यूल्स जो है उनके दरमियान में स्पेस बहुत ज्यादा होती है कि वो इजीली एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसी वजह से उनकी भी शेप जो है वो डेफिनेट शेप नहीं होती। अब हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। हमने ये भी देखा कि जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, वो भी करते हैं। तो हमने मैटर के बोर्ड पढ़ा कि हर चीज़ जिसकी स्पेस
न्यूक्लियस होती है, जो बेड होता है जिसका, वो क्या कहलाती है, वो मैटर होती है। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी देखा कि मैटर जो है वो थ्री फॉर्म्स में आएगी। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आगे हम पहले एटम्स के बोर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, एटम्स जो है वो क्या होते हैं, जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, उनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है, एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हमें इस तरह से ऐसे नेकेड आई से वो नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है और फिर हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा रही हूँ तो इस डॉट के अंदर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में एटम्स प्रेजेंट है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि छोटा सा डॉट, इसके अंदर मैं 100 पीस करूँ तो मेरे ख्याल से मैं नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसके अंदर क्या है, एटम्स मौजूद है। तो एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसी तरह से जितनी भी चीजें हैं इस वर्ल्ड के अंदर, वो सारी किससे मिलकर बनी हुई है, दीज आर मेड अप ऑफ मैटर, और जितनी भी मैटर है वो किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से। हम लोग हैं, हम भी एटम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, जितनी भी मैटर है इस वर्ल्ड के अंदर वो सबकी सब किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से। ठीक है, और इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो मैटर से बनी है, और हर एक मैटर जो है वो किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर। ठीक है, डिफरेंट एटम्स मिलते हैं और फिर एक मैटर बनती है। ठीक है, तो आज हमने ये पेज नंबर 44 किया है। आपने क्या करना है, इस पेज को घर में अच्छी तरह से रीड आउट करना है। कल हम इंशाल्लाह मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर मैटर की प्रॉपर्टीज को करेंगे। थैंक यू।